हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि किस तरीके से हमारे पास रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। एक्चुअली रिप्रोडक्शन होता क्या है कि जो हमारी यंग वंस हैं उनको प्रोड्यूस करना, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसी के बारे में, जो प्लांट्स के बारे में पढ़ना है हमें, यहाँ पे एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ना, हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट्स के बारे में पढ़ना है कि प्लांट से, एक प्लांट से दूसरा हमारे पास न्यू प्लांट जनरेट हो रहा है उसके बारे में पढ़ना है, या फिर हमें एक प्लांट से ही दूसरी बहुत सारे हमें चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, तो उनको हम किस तरीके से ऑब्टेन कर पा रहे हैं, उनके पीछे रीज़न क्या है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें इसी चैप्टर में मिलने वाला है। ठीक है, और साथ में हम इसी चैप्टर में आपको सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ने वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो एक्चुअली जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, जो हमारे लिविंग्स हैं उनको क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। एंड जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं इनको लिविंग्स बोल दें, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, यानी द प्रोडक्शन ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इन द सेम स्पीसीज। ठीक है, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ हो वो उसी तरीके से, जैसे इंसान होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, इसी तरीके से प्लांट्स होते हैं वो भी न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हम जो इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हाउ द प्लांट रिप्रोड्यूस टू गिव न्यू प्लांट्स, कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है और वो नए पौधे किस तरीके से बनाते हैं। तो मेथड्स क्या हैं? मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन में शॉर्ट में लिख रहा हूं इन प्लांट्स। इसमें दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, एक को बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यानी दोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट्स बाय डिफरेंट मेथड, जो ये एक पेरेंट्स इन्वॉल्व तो होता है, बस ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, यहाँ भी होते हैं, प्लांट्स में तो कुछ अलग हैं, बट यहाँ अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, कि द प्रोडक्शन ऑफ
न्यू प्लांट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट्स without the involvement of the gamete. गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी गैमेट्स को आप दूसरा बोल सकते हो, सेक्स सेल्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. और इसी तरीके से अगर हम सेक्सुअल को डिफाइन करें तो सेक्सुअल क्या होगा, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट्स बाय द फ्यूजन. यहां से क्या चेंज होगा, बाय द फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स. ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एग्जिस्टिंग प्लांट्स की सीड से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलें, जैसे गेहूं होता है, चना होता है, मक्का होता है, ठीक है, राइस होता है, सनफ्लावर हो गया, आपकी मस्टर्ड हो गई या कॉटन हो गया, ये सब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसमें आपकी सीड्स नहीं होंगी, इसमें विदाउट सीड का प्रोडक्शन होगा, इसमें विद सीड्स का प्रोडक्शन होगा. तो अब हम फर्दर जो पढ़ने वाले हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्दर टाइप्स पढ़ रहे, मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स. एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सबसे कॉमन है और सबसे बेस्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. दूसरा है बडिंग, ये कुछ ही प्लांट्स में होता है. दूसरा है फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ वन है स्पोर फॉर्मेशन. आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं. एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि हमारा एक ओल्ड प्लांट से एक न्यू प्लांट जनरेट होता है. बट ये ओल्ड प्लांट्स की हम क्या चीज यूज करते हैं, या तो हम यूज करते हैं स्टेम, या यूज करते हैं रूट, या यूज करते हैं लीव्स. ठीक है, इन चीजों से हम क्या करते हैं, एक तरीके से नए प्लांट्स प्रोड्यूस करते. तो हम क्या है कि बहुत सारे मेथड हैं, कटिंग कर देते हैं उसकी, या फिर एक्सियल से उसको कट कर देते हैं. जैसे स्टेम हो गई, बहुत सारे स्टेम्स होती हैं, उनको हम कट कर देते हैं. ठीक है, जैसे मान लो आप एग्जांपल में बताऊं कि मान लो गुलाब का फूल है, उसको आपको कट कर दिया जाए, कट कर दो आप स्टेम से, तो वहां से वो न्यू ग्रोथ हो जाती. ठीक है, अगर हमने ग्रेप्स से उसको कट कर दिया, सुगर केन गन्ना होता है, आपने देखा होगा उसको छोटी सी वो होती है, जो एक तरीके से पांग होती है एक, उसको हम क्या करते हैं, सॉइल में ग्रो कर देते हैं. बनाना हो गई, ठीक है, बोगनविलिया हो गया, ये बहुत सारे मेहंदी हो गई, जो आपके कॉमन आसपास जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि इनसे आप इजीली, आपने क्या किया, स्टेम को कट किया और ग्रोथ कर दी. ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊँ, रोज हो गया और चंपा होती है, आपने चंपा देखी होगी, ग्रेप्स होते हैं, ठीक है, सुगर केन होती है, सुगर केन गन्ना, ठीक है, बनाना हो गया, केला, इनके बारे में. ये सारे किससे होते हैं, स्टेम्स. ऐसे ही आलू होते हैं, वो भी ट्यूबर हैं एक तरीके से, उसके भी ग्रोथ कर जाते हैं, बडिंग होती है उसमें. ठीक है, एक बड निकलती है उसके थ्रू भी हम ग्रोथ कर सकते हैं, या फिर आप हाफ आलू होता है उसको हाफ कट कर दीजिए, वहां से ग्रोथ कर लीजिए. ठीक है, तो ये सारे क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन.
तो जो आलू होता है उसमें क्या होता है कि एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं कि रूट की वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है। जो पोटैटो होता है, पोटैटो, वो आलू की हम इस तरीके से ग्रोथ करते हैं। ऐसे ही ब्रायफाइलम्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, उनको क्या होता है, वो लीव्स से ग्रोथ कर जाते, लीव्स होती हैं उनकी, उनसे ग्रोथ कर जाते, ठीक है। कैक्टाई होती है, बगोनिया होता है, ये सारे प्लांट्स हैं। इनमें क्या होता है कि इससे जो आपकी लीव्स है उसी से ग्रोथ हो जाती है, वहां से प्लेटलेट्स निकलती हैं, इस तरीके से रूट होती है, उसी से प्लेटलेट्स निकलती हैं और ग्रोथ कर जाती हैं, एक न्यू रूट बना लेती हैं और वो ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोपेगेशन बाय लीव्स। तो नेक्स्ट हम बढ़ें, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।